आज सूर्य देव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि माँ नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला? विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वन माला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी, ये आप सबका मनोरंजन करेगी। अभी राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती है या नहीं। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया। तूने एक ऋषि का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा? विक्रम बेताल में कल देखिए। लगता महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कितना समय हो गया किंतु सूर्योदय नहीं हुआ। हे महादेव, एक अधर्मी और कामंद मनुष्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल देना कहाँ तक उचित है? हम आपका संकेत समझ रहे हैं प्रभु, इसलिए अब हम सूर्य पर से हमारा आवरण हटाते हैं। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। हे कल्पवृक्ष, आप तो जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कितने अपूर्ण हैं। हमारी वर्षों की मनोकामना को पूर्ण करें कल्पवृक्ष। देवी, हमें भय है कि आपकी ये इच्छा किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। स्वामी देखिए ना, इस कल्पवृक्ष से हमें क्या मिला है। ऋषिवर, हमारी पुत्री और आपकी शिष्य काशी का जीवन संकट में है। उस असुर का अंत केवल ये बालक कर सकता है, इसलिए हम चाहते हैं ऋषिवर कि आप इस बालक को रात्रि भर में पूर्ण युवा कर दें। महादेव का प्रतिरूप बनार। हे महादेव, हर पिता विवाह के उपरांत अपनी पुत्री और जमाता को उपहार देते हैं। कहो बनार, हमसे क्या उपहार चाहते हो? मैं अपने और काशी के निवास के लिए आपका कैलाश चाहता हूँ। इस स्थान का संचालन करने के लिए त्रिकालदर्शी होना आवश्यक है, और त्रिकालदर्शी वही हो सकता है जिसके पास त्रिनेत्र हो। त्रिनेत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अघोर तंत्र की साधना। वत्स, त्रिनेत्र तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरे इस खप्पर को अपनी समस्त माया और संपत्ति से भरना होगा। खाली नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण कैलाश सब आपके खप्पर में अर्पित करता हूँ। मेरा खप्पर अभी भी खाली है वत्स। यदि तुम्हारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है तो तुम्हें अपने प्राणों का दान भी इस पात्र में करना होगा। तो राजन, इससे पहले कि मैं 32 पुतलियों की कथा आगे बढ़ाऊं, तू मेरा आज का प्रश्न सुन ले। संसार के गुणों और भावों की प्रतीक जिन पुतलियों को संसार के धर्म की रक्षा करनी थी, वही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूँ कि तुम्हारे मन के विकारों के समान ही तुम्हारा रूप भी क्रूर हो जाएगा। राजन, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मदेव के श्राप से उन 32 पुतलियों की मुक्ति किस प्रकार होगी? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। कैसे करती है रक्त मंजरी और स्वप्न सुंदरी दो लोकों पर विजय। यदि तुम्हें पाताल लोक इतना ही प्रिय है तो आप हमसे विवाह करके अपना संपूर्ण जीवन पाताल लोक में बिता सकते। हमने प्रण लिया है, हम विवाह उसी से करेंगे जो हमें पराजित कर हमें जीत ले। लेकिन हाँ, यदि आप हमसे पराजित हो गए तो आपको हमारी दास्यता स्वीकार करनी होगी। आपको क्या लगा? संपूर्ण पृथ्वी आपको सौंप देंगे? हम इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं देवी, कोई रूप हमें लुभा नहीं सकता, इसलिए हमें आपका नियम स्वीकार नहीं। तो अब बता राजन, ब्रह्मदेव के श्राप से इन पुतलियों की मुक्ति कैसे होगी? बेताल, आज हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, चाहे तुम जितना प्रयास कर लो। इस प्रेत घाटी में आज ये तुम्हारी अंतिम रात्रि है। कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रेत घाटी से नहीं ले जा सकता, मुझे वापिस लौटना ही होगा। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तूने क्या कर दिया विक्रम?
छोड़ दे मुझे। मेरे 1100 वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त होने वाली है। आज विक्रम बेताल को लेकर यहाँ आने वाला है। यदि हम बेताल को प्रेत घाटी से ला सकते हैं तो उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। पहले अपनी रक्षा तो कर लो राजन। हमें पुतलियों में कैद करने वाला भद्रकाल, ये इसकी हालत किसने की? जिस भद्रकाल को काल भी नहीं छू सका, उसे कौन काल कालवित कर सकता है? कहीं है उसके कोई माया तो नहीं, जिसके शरीर में जीवन भी नहीं बचा वो क्या माया करेगा? देवी महामाया, हमें बंधन में बांधने वाला, अपने जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर भद्रकाल मर गया तो हमें हमारी मुक्ति का मार्ग कौन बताएगा? ये आप क्या कह रही हैं देवी? भद्रकाल ने तो हमसे हमारी शक्तियों को छीनकर हमें पत्थर की मूर्तियों में स्थापित कर दिया था। भले ही भद्रकाल ने हमें अपने बंधन में बांध लिया था, किंतु ब्रह्मदेव से मिले श्राप से हमारी मुक्ति का मार्ग भी केवल यही बता सकता है। देवियों, हमने सोचा था कि हमारे सारे संकट दूर होने वाले, परंतु हम तो पहले से भी बड़े संकट में घिर चुके। अब तो हमारी मुक्ति की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। देवी महामाया, आपके कारण ही हमारी ये दुर्दशा हुई है। अब हमारी मुक्ति के मार्ग भी आप ही को ढूंढना होगा। हमें भयभीत करने के स्थान पर हमें मुक्ति का कोई उपाय बताइए। अब केवल एक ही मार्ग शेष बचता है और वह है भद्रकाल को पुनर्जीवित करने का, क्योंकि एक भद्रकाल ही है जो हमें इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति दिला सकता है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? यदि भद्रकाल दोबारा जीवित हुआ तो हमें उन्हें पत्थर की प्रतिमाओं में स्थापित कर देगा। भद्रकाल को दोबारा जीवित करना हमारे लिए और भी ज्यादा घातक हो सकता है। देवियों, मैं आप सभी की चिंता समझती हूँ, किंतु भद्रकाल के द्वारा छीनी गई हमारी सारी शक्तियां वापस आ चुकी हैं। यदि भद्रकाल जीवित भी हुआ तो वह हमारा कोई अहित नहीं कर पाएगा। उसके जीवित होने से केवल हमें लाभ होगा, उसे नहीं। देवियों, भद्रकाल को दोबारा जीवित करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, यदि भद्रकाल का अंत हो गया है तो बेताल कहाँ गया? महारानी, बेताल अपने उचित स्थान तक पहुंच चुका है। सहस्त्र वर्षों से हम पुतलियां श्रापित हैं, हम अपने इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं। अपनी मुक्ति चाहिए तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आओ सब मिलकर निश्चित करें विक्रम और बेताल का अंत। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर, किंतु नारद मुनि द्वारा बताए श्री कृष्ण की विशेषता से हो जाता है भयभीत कि भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते, किंतु ये बालक जो मथुरा की ओर आ रहा है वो भगवान विष्णु का मानव अवतार है, वो आपकी हत्या कर सकता है। और आमंत्रण देता है स्वयं की मृत्यु को। तुम्हारा सच सामने आ चुका है गुनिका। आप जानती हैं, कंपनी अपने नाम कराने के लिए इसने धोखे से आपके अंगूठे का निशान ले लिया था पेपर पे। ये कितनी शेडी जगह है, हमारे गैम्बलिंग के अड्डे और अच्छी जगह पे नहीं हो सकते।
माधव, जब तू मेरे पास होता है तो मुझे कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं दिखाई देता। कैसे दूर जाऊं मैं तुझसे, नामुमकिन है ये मेरे लिए। वैद्य, मैं तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा हूं। तो ना फिर भैया वो टिल्लू ना कल से अचानक से गायब है गए। अब हम क्या उसकी बीवी है जो जानकारी रखे कि कब आता है कब जाता है? इनसे पूछना आगे। यार वो देख टिल्लू को जूता। यार कौन बोल रहा है बे? कुंडली जानकर कुछ ना मिलेगा बेटा, एक बात कान के ढक्कन खोल कर सुन ले। तूने और उस तिवारी ने अपने नौकर टिल्लू को मारकर जहां दफनाया था वहीं उसी जगह झाकर कटी की झाड़ियों में 1,00,000 रुपए थैले में भरकर रख दे।